हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप सेल्स एंट्री करते हो और सेल्स एंट्री करने के टाइम पे जिस पर्सन को आपने जो आइटम लास्ट क्या रेट में सेल की है, लास्ट पांच आपने क्या रेट में आपने उसको सेल किया, क्या डिस्काउंट दिया, क्या इन्वॉइस नंबर है, वो एंट्री करने के टाइम पे आइटम सिलेक्ट करने के बाद ही तुरंत आपको वहाँ पे डिस्प्ले करे। उस टाइप की अगर आपको टीडीएल की रिक्वायरमेंट है तो ये टीडीएल आपको काम में आ सकती है। ये टीडीएल चार्जेबल है। अगर आप इस टीडीएल को बाय करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा पहले प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि ये टीडीएल किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसमें से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट, पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एंट्रीज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं एक पर्सन को सेल्स कर रहा हूँ, कृष्णा को, माउस, यहाँ पे मैं उसको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ और उसको मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये एक मैंने सेल कर दिया। फिर वापस सेम पार्टी को मैं सेल करता हूँ, सेम आइटम, तो लास्ट 5 आइटम सेल्स डिटेल दिखाई देगा मुझे। तो यहाँ पे क्या इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, डिस्काउंट भी आ जाएगा। तो आपको इजी रहता है कि आप गलती ना करो कि आगे जो आपने उसको सेल किया और अभी जो सेल करो उसमें रेट डिफरेंट ना हो, उसका डिस्काउंट का डिफरेंट ना हो, तो ये आपको काम में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 20% डिस्काउंट कर देता हूँ, फिर मैं सेम पार्टी को फिर से बिल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों बिल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उनका रेट और डिस्काउंट दोनों दिखाई दे रहा है। तो ये एक ईजी हो जाता है आपका काम करने के लिए। यहाँ पे जो लास्ट 5 सेल होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं दूसरे एक आइटम लेता हूँ, और यहाँ पे ये आइटम का तो दिखाई दे रहा है, बट आप चाहते हो कि सारे के सारे आइटम का आपको चेक करना है तो यहाँ पे ऑल आइटम का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे सारी उसको आपने क्या क्या आइटम सेल किए तो उनका भी सारा का सारा आइटम का यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दूसरी पार्टी का भी बिल बना के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे भी उनका इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, वो सब आ रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये टीडीएल काम करती है। तो अगर आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हो कि ये आप जब भी एंट्री करो तो आपको लास्ट सेल रेट दिखाई देगा, लास्ट डिस्काउंट भी दिखाई दे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसका आपको रिपोर्ट भी मिलेगा आपको डिस्प्ले में जाके सेल्स रिपोर्ट करके। तो यहाँ पे आप पार्टी वाइज आइटम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे मुझे कृष्णा का चेक करना है तो यहाँ पे मुझे कृष्णा को मैंने कौन कौन सी आइटम क्या करा, क्या रेट में सेल किए, उसको क्या मैंने डिस्काउंट दिया था, वो भी यहाँ पे आएगा। और आइटम वाइज पार्टी रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं माउस को देखना चाहता हूँ तो मैंने माउस किस किस पार्टी को क्या क्या रेट में सेल किया था वो भी मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको एंट्री करने के टाइम पे भी काम में आएगा और आपको अलग से रिपोर्ट चेक करना है तो रिपोर्ट करने के टाइम पे भी ये टीडीएल आपको काम में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टीडीएल बाय करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।